तो फ्रेंड्स वो है बगीचा, वो जो आपको घर दिखाई दे रहा है वो हमारे बगीचे का घर है। और इससे नीचे तक आप तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम नीचे जहाँ गाय है। ये कुछ इस तरह से है, एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे घर में। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना पुराना एप्पल ऑर्चर्ड। हमारा पुराना बगीचा है, था सेब का, मतलब अभी है, लेकिन ड्यू टू पता नहीं किस रीज़न की वजह से वो मतलब ख़त्म हो गया एक तरह से। वहाँ पे कुछ ही पौधे रहे हैं अब और बिल्कुल सूख चुके हैं, टूट गए हैं, ख़त्म हो गया एक तरह से बगीचा। अभी हमने कुछ और नए पौधे लगाए हैं वहाँ पे, तो अभी पापा भी आ रहे हैं तो पापा से जानेंगे कि क्यों, किस रीज़न की वजह से जो है ये बगीचा ख़त्म हो गया। ऐसे क्या रीज़न्स थे कि जिसकी वजह से यहाँ पे एप्पल जो पहले होते थे अब नहीं होते हैं। मेरे हिसाब से तो ये ग्लोबल वार्मिंग और जो एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं हमारे एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से हुआ है। सो फ्रेंड्स वो है बगीचा, वो जो आपको घर दिखाई दे रहा है वो हमारे बगीचे का घर है। और इससे नीचे तक आपको, आई होप आपको दिख रहे होंगे ये खेत यहाँ, और इससे पीछे वाली तरफ को भी बगीचा था। अभी तो पौधे हैं ही नहीं, कुछ ही हैं, वो दिखाऊंगा वहाँ पे जाके। और वो नीचे तक, और नीचे जो घास नहीं दिख रही है आपको, जहाँ पे घास वगैरह होता है, हम घास वगैरह काटते हैं गाय के लिए, वो सारा भी हमारा ही है। तो चलिए चलते हैं। और मेरे घर से अप्रॉक्स 10 मिनट लगते हैं यहाँ पे आने के लिए। और वहाँ रखी हमने गाय भी, वो भी दिखाऊंगा। और ये जो पुराना घर है ये भी अप्रॉक्स 70-80 साल पुराना होगा शायद, तो ये भी दिखाऊंगा। तो चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स मैं पहुँच गया इधर, और देखिए वो सामने ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ से हमारे को पूरा नीरी दिखाई देता है, मेरा पूरा गांव दिखाई देता है। ये ना पुराना हॉस्पिटल था यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ से पूरा हमारा गांव दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है यहाँ से सब कुछ। फ्रेंड्स जो ये आपको वाइट वाइट कलर के फ्लावर्स दिख रहे हैं ना, ये कांटों पे लगते हैं, इनको बोलते हैं कुज्जा हमारी लैंग्वेज में। और मेरी दादी बोला करती थी कि पहले हम खुशबू के लिए ना इसको यूज़ करते थे। सो फ्रेंड्स ये है देखिए घर, और आप देख सकते हो किसकी हाइट कितनी कम है। मतलब पहले ऐसा ही होता था कि घरों की हाइट ना बहुत कम रखी जाती थी। और ये ऊपर है लकड़ी का, और ये नीचे है पत्थर का। नीचे हमने गाय वगैरह रखी है, गाय दिखाता हूँ बाद में, पहले चलते हैं ऊपर। सो फ्रेंड्स कुछ इस तरह का है ये मिट्टी का घर, और ये बहुत ज़्यादा पुराना है ये देखिए। तो चलिए, यहाँ का ताला मैंने खोल दिया है, तो चलते हैं इसके अंदर। ये देखिए कुछ इस तरह का, मतलब यहाँ पे ये बरामदा टाइप है, और यहाँ पे लगा है मीटर। तो देखिए यहाँ से खिड़की भी है, पर पता नहीं कैसे खुलती है ये, पता नहीं है मुझे। और चलिए इसके अंदर चलते हैं, मैं भी बहुत टाइम के बाद आया हूँ इधर, तो आई थिंक मेरे को लाइट जला लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये है अंदर वाला कमरा, जिस तरह का कमरा है, मीन्स पापा ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे पहले एक माली को रखा होता था, मतलब माली रहते थे यहाँ पे। और यहाँ से जाते हैं ऊपर वाली तरफ को, और इससे पीछे को रसोई थी, और बस यही है। और फिर नीचे है 3 कमरे जहाँ पे गाय वगैरह को रखा जाता है, और रखते थे पहले। सो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं हम नीचे जहाँ गाय है। तो ये कुछ इस तरह से है, ये है हमारी गाय। और एक कमरा है इस तरफ, एक सेकंड में फ्लैश चला लेता हूँ। तो एक रूम है आपका इधर, अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बट एक रूम इधर है, लाइट नहीं है आज यहाँ।
और एक रूम है उधर और एक रूम है ये। तो ये वाला जो रूम है इसमें ना ये है, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता था। ये इसके फट्टे तो निकल गए हैं, इसको बोलते हैं बाड़ू। मतलब यहाँ पे भीड़ बकरियाँ रखी जाती थी पहले जब पाली होती थी, अब तो इसमें घास वगैरह रखा होता है, लेकिन इसमें भीड़ बकरियाँ रखी जाती थी। तो पापा आप मेरे को बताओ ना कि पहले यहाँ पे कितने पेड़ होते थे? यहाँ पर 250। अच्छा, तो फिर मतलब कितना साल पुराना था ये बगीचा? ये लगा था 47 में आई थी पहली फसल, 1947। अच्छा, अगस्त 1947। अच्छा, तो उसके बाद मतलब फिर क्या हुआ इन पौधों को? अब तो कुछ भी नहीं रहा है यहाँ पे। इनकी उम्र पूरी हो गई। कितनी कर उम्र होती है सेब के पौधों की? जो पहले की क्वालिटी जो उनकी होती थी 7 साल। अच्छा, जो अब के अब लगते हैं आगे को उनकी उम्र होती है 10-15। अच्छा, तो मतलब अब जैसे आपने कुछ टेस्ट वगैरह कराए थे ना, मतलब आपने उनसे जो हॉर्टिकल्चर वगैरह उनसे पूछा था, तो उन्होंने क्या बोला कि यहाँ का एनवायरनमेंट यहाँ का सेब के लायक नहीं है? अच्छा, गर्म हो गया, मतलब हो गया, सब्जी बर्फ नहीं पड़ती है। अच्छा, और गर्मी में धूप पड़ती है बहुत। अच्छा, तो फिर उन्होंने क्या सजेस्ट किया आपको? नाशपाती या खुमानी या अखरोट। अच्छा, इन्हीं के पौधे लगाने हैं मतलब। और अच्छा, तो ये घर जो है ये कितना पुराना होगा? 1932 में बना था। 1932 में, मतलब 80-90 साल पुराना है। तो यहाँ पे पहले कोई रहता था? रहता था। अच्छा, उसने बकरियां भी पाली थी। अच्छा, और इन खेतों में जो है उसने कणक भी बीजा था। अच्छा, और एक बार गुंजा गुड़िया निकली है। अच्छा, उस टाइम 1938 में। अच्छा, तो मतलब अभी तो काफी साल से कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, है ना? अच्छा, तो अच्छा, तो आप मेरे को ये बताओ कि अभी आपने यहाँ पे और क्या लगाया हुआ है? अभी कुछ नहीं फिलहाल, कुछ 30 के पौधे पानी फल के हैं, कुछ नाशपाती है 20। अच्छा, ठीक है। एक खट्टे के पेड़ है और गलगल बोलते हैं इनको, और ये नींबू के है। तो देखिए आपको यहाँ पे खेत दिखाई दे रहे होंगे, और बीच बीच में कहीं आपको सेब के पौधे दिखाई दे रहे होंगे। मतलब पहले यहाँ पे प्रॉपर हुआ करते थे, पापा ऐसा बोलते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हो गया है फ्रेंड्स। ये है अखरोट का पेड़, और ये देखिए सामने जो आपको दिख रहा है ना पेड़, ये बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं। सोचिए इतने बड़े बड़े सेब के पेड़, तो किस ज़माने का वो होगा ये बगीचा। ये देखिए कुछ इस तरह से ना पूरे ख़त्म हो गए हैं ये पौधे, कुछ कुछ ही लगता है इनमें। ये एप्पल का है, कुछ इसी तरह से थोड़े से हैं, 4-5 ये जो बहुत पुराने पेड़ रहे हैं, ये देखिए इस तरह से टूट गए हैं, ख़त्म हो गया मतलब बिल्कुल ही। फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पर सेब लगा हुआ है, एक यहाँ है, ये दो इधर है, और जो ये सामने वाला जंगल है ना, ये बर्फ़ में इतना सुंदर लगता है। बर्फ़ वाला व्लॉग ज़रूर देखना, स्नोफॉल व्लॉग, मैं लिंक जो है आई बटन में दे दूँगा, उसको ज़रूर देखना, बहुत सुंदर लगता है ये। वो फ्रेंड्स अब यहाँ पे हमने नाशपाती लगाई हुई है, ये देखिए ये नाशपाती है, और इस पर की गई है कलम, और एक इधर है ये देखिए, और इसी तरह से हमने 25-30 लगाए हुए हैं। और एक उधर भी हैं, उधर है कुछ, उस साइड को हैं, वो दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए आड़ू के कुछ नए पौधे लगाए हैं, देखिए इधर है, और ये है नाशपाती का, देखिए एक यहाँ लगाया हुआ है, एक इधर है, वो नीचे है, इधर है, इधर है। और एक मज़े की बात बताऊंगा गाइस, एक पुरानी यादें हैं मेरी, जो ये वाला दिख रहा है ना आपको, ये खुमानी का पेड़ है। तो इसमें इतनी सारी लगती थी ना, और हम ऐसे दौड़ते थे घर से कि हम उधर से लेके आएंगे, उधर से लेके आएंगे, बट जो बंदर है ना वो इनको छोड़ते नहीं थे, बंदर सारे खा जाते थे। और यहाँ पे एक ना छोटा सा नाशपाती का पेड़ होता था, मेरे को याद नहीं है, जब मैं बहुत छोटा होता था, तो वो ना ऐसी रेड कलर की नाशपाती होती थी, वो बहुत सुंदर होती थी, वो बहुत टेस्टी होती थी मतलब।
तो इस तरह से देखिए। सो फ्रेंड्स, अब मेरा भाई आपको दिखाएगा जो हमने जापानी फल लगाए हैं वो, क्योंकि मुझे खुद ही नहीं पता है, मैं क्योंकि यहाँ पे होता नहीं हूँ, मैं कॉलेज वगैरह में होता हूँ, तो इसी को पता है, तो ये दिखाएगा अभी। ये है जापानी फल, ये है दूसरे वाले वो जो काट के खाते हैं ना। अच्छा, कितने पौधे हैं यहाँ से परे? ये देखिए एक यहाँ है, अच्छा एक वो ऊपर भी है, कुछ इधर इधर होंगे। ये भी है नाशपति, और कहा है वो आगे को भी है, वो आगे भी है एक नाशपति। अच्छा कितना नीचे आ गए हैं, अभी इससे नीचे भी हैं कुछ पौधे हमारे नीचे तक। तो चलिए, वो फ्रेंड्स ये है खुमानी का पेड़, और मैं आपको बताऊँ यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा खुमानी का पेड़ हुआ करता था, और उसमें इतनी खुमानियाँ लगती थी, और सबसे मीठी खुमानी होती थी वो, और इतनी टेस्टी होती थी। हम बचपन में आते थे तो एक यहाँ वाली, एक वो परे वाली, जो परे वाली है वो होते थे साढ़े, मतलब उसकी जो गुटली होती है वो, उसके अंदर का जो बीज होता है मतलब वो कड़वा होता है, और जो यहाँ वाली थी उसका मीठा होता है, तो वो बहुत टेस्टी थी, बहुत ज़्यादा। और बस यहाँ से नीचे फिर जंगल लग गया, ये जंगल भी हमारा ही है, और इधर को अब थोड़े कांटे कुंटे हो गए हैं, तो ये सारा है बगीचा। सो फ्रेंड्स, आपने इस व्लॉग में देखा कि हमारा 70-80 साल पुराना बगीचा था, जो कि अब एक तरह से खंडहर बन गया है। तो पापा ने आपको बताया कि क्या क्या रीज़न्स थे इसके पीछे, और मैं अपनी मानूँ तो सबसे बड़ा रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि यहाँ पे ना मेरी दादी बोला करती थी कि पहले यहाँ पे 5-6 फुट बर्फ पड़ती थी उनके टाइम पे, तो हाँ 2-2.5 फुट तो मैंने भी देखी है, लेकिन अब क्या होता है, अब 1 फुट भी हार्डली पड़ती है, तो उसकी वजह से भी जो है सेब वगैरह का नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्नो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और जहाँ पे हमारा बगीचा है यहाँ पे सुबह 10-11 बजे से लेकर कंटिन्यूसली शाम 5-6 बजे तक धूप रहती है, तो ये कारण भी हो सकता है एप्पल ना होने के लिए। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि हम जितना हो सके ग्लोबल वार्मिंग को कम करने की कोशिश करें, पेड़ पौधे लगाएँ, और अपने जो अर्थ को बचाएं हम अपने अर्थ को। तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और खुश रहिए, आबाद रहिए। टाटा बाय बाय, सब्सक्राइब प्लीज़।